तो हेलो एवरीवन, ये इस सीरीज का लास्ट पार्ट है एंड अगर अभी तक आपने इस ड्रामे के स्टार्टिंग के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि नाना ने हैप्पी के लिए एक वीडियो मैसेज छोड़ा होता है जो कि मिली हैप्पी को दिखा रही होती है एंड उसमें नाना हैप्पी को अपने बारे में बताती है कि उसे कैंसर है। देन वो आगे कहती है कि आई होप तुम हम दोनों की इन ब्यूटीफुल मेमोरीज को हमेशा याद रखोगे एंड मैंने अपना ट्रीटमेंट बीच में ही स्टॉप करवा दिया है क्योंकि आई चूज टू डाई इन नेचर। देन वो हैप्पी को अपनी लाइफ में आने के लिए थैंक्स बोल दिया एंड वो हैप्पी से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी कि वो उसे पागलों की तरह प्यार करने लगी और हैप्पी की वजह से ही उसे पता चला कि ट्रू लव क्या होता है। देन वो आगे कहती है कि मैंने तो हमारी शादी का ड्रीम भी देख लिया है कि मैंने ना दुनिया की बेस्ट वेडिंग ड्रेस पहनी हुई है और हम दोनों साथ में चल के चर्च में आ रहे हैं एंड जब मुझे शादी के लिए पूछा जाता है तो मैं कहती हूँ कि येस आई डू बट नाउ मुझे जाना होगा बट इट डजंट मैटर मे बी इन नेक्स्ट लाइफ में तुम मुझे पसंद करो एंड मुझे प्यार करो जैसे तुम मिली को करते हो। और वही हैप्पी और मिली भी इस वीडियो को देखते देखते एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं एंड वो नाना को ढूंढने लगते हैं पर नाना उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। तो हैप्पी नाना को कॉल करता है पर वो उसका कॉल आंसर ही नहीं कर रही होती। देन थोड़ी देर बाद नाना के फ़ोन से हैप्पी को कॉल आता है एंड वो लेडी उसे बताती है कि ये मिस यहाँ पे बेहोश हो गई हैं एंड इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ही सीरियस है एंड अभी ना ये एयरपोर्ट की क्लिनिक में है तो आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। देन हैप्पी और मिली जल्दी से वहाँ पे पहुँचते हैं तो नाना ना वहाँ पे बेहोश होती है और सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहाँ पे नाना का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है और हैप्पी एंड मिली बाहर उसका वेट कर रहे होते हैं। तो हैप्पी फिर से उस वीडियो को देखने लगता है जिसमें नाना अपने पेरेंट्स को सॉरी बोलती है एंड उन्हें कहती है कि आई नो आप इस सब के लिए हैप्पी को ही ब्लेम करोगे एंड खुद को भी क्योंकि आपने मुझे हैप्पी को चेस करने में हेल्प की बट मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं थी क्योंकि आई लव हिम सो मच एंड मैं उसे नहीं छोड़ सकती और किसी प्रॉब्लम में तो बिल्कुल भी नहीं देख सकती इसीलिए उसे सीक्रेटली हेल्प करती रही। आई नो इट वॉज माई फॉल्ट इसीलिए आपने मुझे घर से निकाल दिया और मुझसे सारे रिलेशन भी ख़त्म कर लिए एंड ये पनिशमेंट ना मेरे लिए बहुत छोटी है। और हैप्पी इतना सब सुनने के बाद आगे सुनने की हिम्मत ही नहीं कर पाता एंड वो कैमरा वहीं पे बंद कर देता है। देन वो मिली को कहता है कि उसने मेरे लिए इतना सब किया पर मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि अभी तक उसे नाना के इन सारे सेक्रीफाइसेस के बारे में पता ही नहीं था एंड उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तो मिली उसे नाना के लिए कुछ करने का बोलती है। देन हैप्पी उसे स्टेयर करने लगता है क्योंकि आई थिंक शायद वो समझ गया है कि मिली उसे क्या कहना चाहती है। देन तभी डॉक्टर बाहर आता है तो हैप्पी उससे नाना की कंडीशन के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि फिलहाल नाना की कंडीशन स्टेबल है। देन तभी नाना के पेरेंट्स भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और नाना की मॉम तो पूरा रोए जा रही होती हैं। देन हैप्पी उन्हें वो वीडियो देखने का बोलता है जिसमें नाना उन्हें कुछ कहना चाहती है तो नाना अपने पेरेंट्स को उस वीडियो में सॉरी बोलती है उनसे झूठ बोलने के लिए क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो उन्हें ये सच बताने के बाद कैसे फेस करेगी एंड वो आगे कहती है कि आई नो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहा होगा बट आई लव यू सो मच और नेक्स्ट लाइफ में भी मैं आप ही की बेटी बनना चाहूँगी क्योंकि आपने इस लाइफ में मेरे लिए जो भी किया है ना देन आई विल पे बैक एंड आई एम सॉरी बट मुझे ना बस एक ही चीज़ का रिग्रेट है कि मैंने अपनी लाइफ में वो ब्यूटीफुल वेडिंग ड्रेस कभी नहीं पहना एंड ना ही मैं हैप्पी के साथ चर्च गई और ना ही मैंने मेरी वेडिंग सेरेमनी इंजॉय कर पाई। तो बेचारी मिली तो ये सब कुछ और सुनी नहीं पाती एंड वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। तो हैप्पी उसके पीछे जाता है एंड हैप्पी के पीछे नाना की मॉम भी बाहर आती हैं एंड वो हैप्पी को एकदम गिड़गिड़ाते हुए रिक्वेस्ट करने लगती हैं। तो हैप्पी उन्हें उठाते हुए कहने लगता है कि आंटी आप ये क्या कर रही हो। देन वो उसे कहती है कि प्लीज़ तुम नाना की लास्ट विश पूरी कर दो ना एंड उससे शादी कर लो एंड वो हैप्पी को रिक्वेस्ट किए जा रही होती हैं। तो हैप्पी बेचारा उन्हें क्या ही बोल सकता है क्योंकि वो तो मिली को प्यार करता है एंड वो मिली की तरफ देखने लगता है। तो मिली तो पहले ही बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी एंड वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है और हैप्पी बस उसे देखते ही रह जाता है। देन वो नाना की विश एंड उसकी सारी बातों को मनी मन सोचने लगता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे बिकॉज वो प्यार मिली को करता है तो नाना की विश पूरी कैसे कर सकता है। देन वो जल्दी से मिली के पास जाता है जो कि बस चुपचाप खड़ी होकर बारिश को देखे जा रही होती है और थोड़ी देर दोनों चुप ही रहते हैं। और जैसे ही हैप्पी मिली को कुछ कहने वाला होता है तो मिली हैप्पी को कहती है कि लेट्स ब्रेक अप देन इसके बाद तुम्हें पता होगा कि तुम्हें क्या करना है। तो हैप्पी उसे कहता है कि नहीं हमारे पास इसे सॉल्व करने का कोई और रास्ता भी होगा। तो वो कहती है कि नहीं लव इज मोर इम्पोर्टेंट एंड वो इमोशनल होते हुए उससे प्रॉमिस लेती है कि वो नाना का हमेशा ख्याल रखेगा और बेचारा हैप्पी तो उसे कुछ बोल ही नहीं पाता। देन वो हैप्पी के फेस को होल्ड करते हुए कहती है कि डोंट वरी मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड तुम्हारे बिना भी मैं मिली ही रहूँगी और एक ब्यूटीफुल लाइफ जीऊँगी। देन वो जल्दी से टर्न हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि हैप्पी उसके आंसुओं को देखे एंड वो रोते हुए वहाँ से जाने लगती है और वहीं हैप्पी बस उसे जाते हुए देख रहा होता है। देन वो उसे कहता है कि तुम तो मुझसे दूर जा रही हो पर मेरा क्या और मैं क्या करूँ। और सीन शिफ्ट होता है नाना पर जिसे फाइनली होश आ जाता है। तो हैप्पी एंड उसके पेरेंट्स उसके पास ही होते हैं।
देन नाना हैप्पी को पूछती है कि क्या ये नेक्स्ट लाइफ है, तो हैप्पी उसे कहता है कि हाँ। देन नाना हैप्पी के फेस को टच करती है एंड वो उसे कहती है कि क्या ये सच है, तो हैप्पी उसे कहता है कि हाँ हम दोनों फिर से मिल गए। तो वो उसे पूछती है कि तुम कहीं फिर से तो नहीं भाग जाओगे, तो हैप्पी उसे कहता है कि नहीं इस बार मैं कहीं नहीं भागूंगा। तो नाना के पेरेंट्स उन दोनों को अकेला छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं और हैप्पी नाना की टेक केयर करने में बिजी हो जाता है। देन अब मिली को देखती है जो कि अपने ऑफिस में होती है एंड वो नाना की बातों को ही सोच रही होती है कि उसे अपनी वेडिंग पे ना वर्ल्ड बेस्ट वेडिंग ड्रेस पहननी है। तो मिली उसके लिए एक वेडिंग ड्रेस ड्रॉ करने लगती है और बेचारी उसे ड्रॉ करते करते वहीं पे सो जाती है। देन यान उसे मिलने आती है, तो मिली उसे पूछती है कि वो सडनली यहाँ पे क्या कर रही है, तो यान उसे कहती है कि एक्चुअली मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ एंड वो अपने और फंगा के बारे में उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करती है एंड उसे कहती है कि अब फंगा किसी और को प्यार करने लगा है एंड उसे समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसी सिचुएशन में क्या करे। तो मिली उसे कहती है कि लव से भी ज़्यादा हमारी लाइफ में कुछ और इम्पोर्टेंट होता है, हमारा ड्रीम, हमें उसे पूरा करना चाहिए, ना कि हमेशा प्यार के पीछे ही भागना चाहिए। तो यान उसे पूछती है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, देन मिली उसे कहती है कि मेरा ड्रीम है इस वेडिंग ड्रेस को डिज़ाइन करना, इसमें ना मैंने अपना सारा प्यार एंड सारी हैप्पीनेस डाली है और तुम्हें भी मेरी तरह अपने ड्रीम को फॉलो करना चाहिए, ना कि हमेशा प्यार के पीछे पड़े रहना चाहिए। और ये ड्रेस ना मिली ने बहुत ही ज़्यादा प्यार एंड इमोशंस के साथ नाना के लिए डिज़ाइन किया है। देन हम हैप्पी को देखते हैं जो कि नाना को गार्डन में घुमा रहा होता है और वहीं मिली भी उस वेडिंग ड्रेस को रेडी करने में लगी होती है। और वहीं हम कुंगकुंग और इक्वा को देखते हैं जो कि हैप्पी और नाना के बारे में ही बात कर रहे होती हैं कि कल उन दोनों की वेडिंग सेरेमनी है पर नाना नहीं चाहती कि कोई भी उनकी इस सेरेमनी को अटेंड करे। देन कुंगकुंग कहती है कि आई डोंट नो कि मुझे हैप्पी और नाना के लिए कैसा फील करना चाहिए, बट मिली के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हूँ एंड पता नहीं वो इस टाइम पे क्या कर रही होगी और कैसी होगी। देन हम मिली को देखते हैं जो कि फाइनली वो वेडिंग ड्रेस बना ही लेती है। देन सासा और ऑरिस उसे मिलने आते हैं, तो सासा उस ड्रेस को देख के उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है एंड उसे पूछता है कि ये किसके लिए है। तो मिली उसे कहती है कि ये वेडिंग ड्रेस नाना के लिए है, तो सासा थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। देन वो मिली को पूछता है कि आखिर नाना और हैप्पी, पर वो बीच में ही रुक जाता है क्योंकि उसे आगे पूछने की हिम्मत ही नहीं होती। देन मिली उसे कहती है कि इट्स ओके, मैं ठीक हूँ और तुम्हें इतना ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन तभी ऑरिस कहती है कि हम कल नाना को मिलने गए थे एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये सब उसके साथ क्यों हुआ। तो मिली उसे कहती है कि डोंट वरी, वो जल्दी ठीक हो जाएगी एंड वो अपने होने वाले फैशन शो के बारे में बातें करने लगती हैं कि सब कुछ ठीक है क्या एंड सारी तैयारियां हो गई हैं क्या। देन ऑरिस कहती है कि हाँ, क्योंकि ऑरिस एंड यानी तो उसके शो की मेन मॉडल्स हैं। और हम नाना को देखते हैं जो कि फाइनली डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है एंड हैप्पी लगा होता है उसकी टेक केयर करने में। फिर नाना की मॉम उसकी रूम में वो वेडिंग ड्रेस लेके आती है जो कि मिली ने उसके लिए डिज़ाइन की थी। देन नाना मिली के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, तो वो कहती है कि वो तो वापस चली गई। देन नाना उस वेडिंग ड्रेस को देखने के लिए जाने लगती है, तो हैप्पी कहता है कि रुको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ एंड वो जाके उस बॉक्स को ओपन करता है एंड उसमें एक ब्यूटीफुल सी वेडिंग ड्रेस होती है। तो सडनली हैप्पी को उस ड्रेस को देख के याद आ जाता है कि उसने मिली को अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए एक वेडिंग ड्रेस डिज़ाइन करने का बोला था और वो नाना की तरफ देखता है एंड स्माइल करता है और वो उस ड्रेस को उसके पास लेके जाता है। तो नाना को वो ड्रेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मिली अपने शो में बिजी होती है और सासा पंगा उसे सपोर्ट करने के लिए आए होते हैं और वहीं मिली तो बस हैप्पी के बारे में ही सोच रही होती है एंड वो मनी मन कहती है कि हैप्पी क्या तुम्हें पता है कि आज मेरा पहला फैशन शो है और मैंने अपनी सारी वेडिंग ड्रेसेस ना उतने प्यार से बनाई हैं जितना मैं तुम्हें प्यार करती हूँ एंड आई होप कि जो भी लड़की इन वेडिंग ड्रेसेस को पहनेगी ना वो प्यार की पावर को फील करे। लव इज़ टू कॉम्प्रोमाइज, लव इज़ टू गिव। और वहीं हैप्पी भले ही नाना के साथ होता है एंड वो चर्च में दोनों साथ आ रहे होते हैं पर हैप्पी मिली के बारे में ही सोच रहा होता है कि हालांकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ पर मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और अब से मैं तुम्हारा हाथ होल्ड नहीं कर सकता, बस तुम्हें रात में आंखें बंद करके स्माइल करते हुए मिस कर सकता हूँ। देन मिली कहती है कि प्यार कभी भी परमानेंट नहीं होता बट मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी और तुम मुझ में। और वहीं हैप्पी और नाना की वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है एंड सारे रिचुअल्स होते हैं। देन जब हैप्पी को पूछा जाता है कि क्या तुम नाना को ऐसे अपनी वाइफ एक्सेप्ट करते हो, तो हैप्पी कहता है कि यस आई डू। एंड जब नाना से पूछा जाता है कि क्या तुम हैप्पी को एज ए अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करती हो, तो नाना मना कर देती है और हैप्पी उसे सरप्राइज्ड होकर देखने लगता है कि मुझसे शादी करना तो इसकी लास्ट विश थी, तो इसने सडनली मना क्यों कर दिया। देन नाना हैप्पी को कहती है कि थैंक यू, तुमने मेरी लास्ट विश पूरी की एंड ये ना मेरी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट है एंड आई नो दैट कि तुम बस मिली को ही प्यार करते हो और हमारी शादी ना पक्का नेक्स्ट लाइफ में ज़रूर होगी। एंड वो स्माइल करते हुए हैप्पी के फेस को टच करती है और सडनली वहीं पे बेहोश हो जाती है पर हैप्पी उसे होल्ड कर लेता है। और वहीं हम मिली को देखते हैं जो कि अपने शो के खत्म होने के बाद वहाँ से चली जाती है।
देन नाना हैप्पी को उसे बीच साइड पे लेके जाने का बोलती है, तो हैप्पी उसे वहां से लेके जाने लगता है। देन वो नाना को कार में बैठा रहा होता है, तभी सडनली उसे मिली का वो वॉलेट मिलता है जो कि उसकी कार में गिर गया था एंड जिसकी वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ था। उसमें मिली की आईडी होती है, तो हैप्पी उसे देखता है एंड वो उसे अपने पास ही रख लेता है और वो जल्दी से नाना को बीच साइड पे लेके जाता है। और वहीं शो खत्म होने के बाद और सभी से मिली के बारे में पूछती है, तो यान सभी को बताती है कि वो चली गई और वापस कभी भी नहीं आएगी। तो फंगा कहता है कि क्या इस बारे में हैप्पी को पता है, चलो हमें उसे बताना चाहिए। तो यान कहती है कि नहीं, हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि आज उसके और नाना के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट दिन है। देन वो चिल्लाते हुए कहती है कि प्यार, शादी, मैजिकल ड्रेस, ये सब कुछ नॉनसेंस है, लाइफ इज फुल ऑन पेन। एंड वो गुस्से में रोते हुए वहां से चली जाती है। देन पंगा उसके पीछे जाता है, तो यान तो पूरा उसी के ऊपर भड़क जाती है एंड उसे कहती है कि यू हार्टलेस मैन, मुझे तो तुमसे बात भी नहीं करनी एंड तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो पंगा उसे फोर्सफुली हक कर लेता है एंड वो उसे कहता है कि ठीक है, मैंने हमारे बारे में सोच लिया है कि हमें शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही साथ में खुश हैं। तो यान भी उसे हक करके रोने लगती है। देन नेक्स्ट हम लोग नाना और हैप्पी को देखते हैं जो कि बीच साइड पे होते हैं एंड बातें कर रहे होते हैं। और वहीं मिली भी एयरपोर्ट पहुंच जाती है और वो मन ही मन हैप्पी को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी बेस्ट मेमोरीज लेके जा रही हूँ, मैं तुम्हारे प्यार के साथ ना न्यू जर्नी स्टार्ट करूंगी एंड आई विश कि मैं हमेशा अपने आंसुओं को छुपाकर स्माइल करती रहूं। एंड वो वापस अमेरिका चली जाती है। और वहीं हैप्पी और नाना बैठे होते हैं, तो सडनली नाना की नोज में से ब्लीडिंग होने लगती है एंड ये उसकी लाइफ का लास्ट पार्ट होता है। देन हैप्पी उसे नाना नाना बोले जा रहा होता है पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती क्योंकि नाना इज नो मोर। और हैप्पी सोचने लगता है कि नाना ने उसे बोला था कि तुम ना मेरे जाने के बाद मेरे बारे में एक सेकंड भी मत सोचना। और हैप्पी ये सब सोच के बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है एंड वो रोने लगता है। देन हम कुछ दिनों का लीप देखते हैं और सीन सीधा इक्वा और कुइंग की वेडिंग सेरेमनी पर शिफ्ट होता है, जहाँ पे दोनों वेडिंग ड्रेसेस पहन के अपनी वेडिंग सेरेमनी के लिए आ रहे होते हैं। तो यान दोनों को देख के फंगा को कहती है कि हम भी अपनी शादी ना ऐसे ही आउटडोर प्लान करेंगे। तो फंगा उसे क्वेश्चन करता है कि सडनली तुमने अपना माइंड कैसे चेंज कर लिया। देन वो कहती है कि तुमने मुझे जो भी चाहिए था वो सब कुछ लाके दिया ना बस इसीलिए। तो फंगा कहता है कि ओ, अब से तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा हैप्पी रखूंगा डार्लिंग। तो इस पर हैप्पी उन्हें कहता है कि क्या प्लीज तुम एक बार मेरी फीलिंग्स के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि बेचारे उसकी लाइफ की तो बाट लगी पड़ी हुई है। देन वो कहते हैं कि नहीं, अगर तुम्हें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से कहीं और चले जाओ या फिर हमें इग्नोर करो। और वहीं हम साशा को देखते हैं जो कि बेचारा और इसका वेट कर रहा होता है क्योंकि अब वो इतनी फेमस मॉडल बन गई है तो उसे अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। पर फाइनली वो वहाँ पे आ ही जाती है। देन वो हैप्पी को बताती है कि मिली ना अब वर्ल्ड फेमस वेडिंग ड्रेस डिजाइनर बन गई है एंड वो नेक्स्ट वीक चाइना में होने वाले फैशन शो की जज बनने के लिए इनवाइट की गई है। तो सासा उसे पूछता है कि वो कब आने वाली है। देन ऑरिस कहती है कि आज ही। और नेक्स्ट हम मिली को देखते हैं जो कि फुल ऑन सिक्योरिटी और एकदम स्टाइल के साथ एयरपोर्ट पे होती है एंड मीडिया और रिपोर्टर्स उसकी पिक्चर्स और इंटरव्यू लेने के लिए मरे जा रहे होते हैं क्योंकि अब बंदी इतनी फेमस डिजाइनर जो बन गई है। बट मिली उन सभी को एकदम इग्नोर करते हुए सीधा अपनी गाड़ी में बैठती है एंड वहां से निकल लेती है। और वहीं इक्वा और कुइंग रिंग एक्सचेंज करते हैं, हक करते हैं और फाइनली इनकी बेडिंग खत्म होने के बाद हैप्पी वहां से अपनी और मिली की वो स्पेशल वाली जगह पे चला जाता है। और वहीं मिली भी होटल आकर अपनी और हैप्पी की मेमोरीज को याद करने लगती है कि वो कैसे मिले थे एंड मिली ने कैसे हैप्पी की कमर ही तोड़ दी थी। देन हैप्पी की कार में कैसे उसका वॉलेट गिर गया था और ये सब वहाँ से स्टार्ट हो गया था। देन वो ये सब सोचकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है एंड वो भी अपनी उस स्पेशल वाली जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे हैप्पी पहले से ही होता है। देन मिली भी वहाँ पे हैप्पी के बारे में ही सोचने लगती है कि कैसे हैप्पी ने उसे यहाँ पे चिल्ला चिल्ला कर आई लव यू बोला था। एंड दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हुए एंड बिना देखे एक दूसरे को चले जा रहे होते हैं। बट सडनली दोनों एक दूसरे को देख ही लेते हैं। देन दोनों एक दूसरे के पास आते हैं पर मिली वहां से जाने लगती है। तो हैप्पी मिली को रुकने का बोलता है एंड वो मिली को उसका वॉलेट वापस करता है जो कि उसकी कार में गिर गया था। तो मिली स्माइल करते हुए कहती है कि मुझे पता था ये तुम्हारे पास है। देन हैप्पी स्माइल करने लगता है और मिली भी अपना वॉलेट लेके वहां से जाने लगती है। तो हैप्पी भी उसके साथ साथ चलने लगता है एंड दोनों बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे होते हैं। देन दोनों रुकते हैं और मिली रोते हुए स्माइल करने लगती है। तो हैप्पी भी स्माइल करने लगता है एंड आई थिंक कि वो अपनी किस्मत पर हंस रहा होगा कि एक्चुअली उसका नाम हैप्पी है बट उसे हैप्पीनेस तो मिली ही नहीं। एंड यहीं पर इस ब्यूटीफुल ड्रामा की एंडिंग होती है जो कि बहुत ही ज्यादा सैड है और मुझे खुद ही इसे एक्सप्लेन करते टाइम ना एक दो बार रोना आ गया, बट क्या कर सकते हैं। और अब हम मिलेंगे न्यू ड्रामे के साथ जिसमें मे बी पक्का हैप्पी एंडिंग जरूर होगी। तब तक के लिए सी यू फॉर दी नेक्स्ट वीडियो। सायोनारा, बाय बाय, टेक केयर।